कोटकपुरा में सुहागणों के त्यौहार करवा चौथ को लेकर औरतों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि औरत के जीवन में इस दिन का खास महत्व होता है, क्योंकि यह त्यौहार औरत अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। इस दिन संसार में ज़्यादातर औरतें श्रृंगार करती हैं, हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं। बाजार में मेहंदी लगाने वालों, चूड़ी बेचने वालों की दुकानों पर औरतों की भारी भीड़ रहती है। महंगाई को लेकर बाजार के कारोबार पर मार पड़ने का प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है। कोविड का प्रभाव चाहे कम हो गया हो, परंतु ओवरऑल बाजार आर्थिक पक्ष से पूरी तरह नहीं उठ सका। इस बारे में व्यापारियों और दुकानदारों की अलग अलग राय है। देखिए नवजीवन शर्मा की खास रिपोर्ट। भैया के मुंह पे जरूर लेना पीस चेंज कर देने सेट। मैडम क्या नाम है आपका? दीक्षा जोशी। हाँ दीक्षा जी, आज का जो कल त्यौहार मनाया जा रहा है, एक इसका क्या महत्व रखता है लेडीज के लिए और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर हम लोग बात करें पंजाब की, तो ये जो त्यौहार है वो बहुत ही शिद्दता से मनाया जाता है, क्योंकि इसके लिए हम लोग जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए फास्ट रखती हैं, और अपने मतलब मदर इन लॉ उनकी सर्गी देती हैं, और बाद में जो बहुएँ होती हैं वो अपनी मदर इन लॉ को बया देती हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ट्रेडिशनली माना जाता है। जो ये त्यौहार है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है। इस दिन जो मतलब न्यूली ब्राइड्स होती हैं वो मेहंदी लगवाती हैं और चूड़ियाँ पहनती हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनती हैं, अच्छी ड्रेसेस पहनती हैं, और इस दिन पूरे दिन में हम लोगों को भूखे रहना होता है, राइट, मतलब पता ही नहीं चलता कि वो पूरा दिन किस तरह से निकल जाता है। और इस दिन के लिए पूरे साल हम लोग वेट करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब सजाते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। इसके लिए आजकल के जो न्यू ट्रेडिशन है वो तो क्या होता है, पहले ज़माने में तो सिर्फ लेडीज़ ही फेस्टिवल रखती थी, और इस टाइम पे क्या है, जो हस्बैंड भी फेस्टिवल रखते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और थैंक यू। मैं मनताज सिंह मक्कड़, प्रधान पंजाब रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन। दोस्तों त्यौहारों का वेला चल रहा है, कल करवा चौथ का दिन है, पर बाजार के हालात त्यौहारों वाले घट सको आम दिनों नालों भी माड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कितने ना कितने आके महंगाई का असर, कोरोना वर्गी महामारी का असर लोगों पर साफ नज़र आ रहा है, और यह भी नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में जी दिवाली है बिल्कुल फिक्की नज़र आएगी। दोस्तों जदों तक सरकार ये नहीं समझदियाँ, रोज़ की रोज़ तेल के भा चकरियाँ, डीजल के भा चकरियाँ, हर चीज़ जी है, कल यातायात नहीं, हर चीज़ जी है इस चीज़ में प्रभावित है, भावें साढ़े गारमेंट इंडस्ट्री है, भावें कोई होर भी जी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उस सारियाँ डीजल के तेल के नाल ही चल रही हैं। सो सरकारों ने चाहिए है, जिते तुम रोज़ 50 पैसे रेट बढ़ा रहे हो, वो छोटे 50 पैसे बढ़ाने के नाल घट्टो घट्ट 5 से 10% महंगाई का असर आम लोगों पर पै रहा है। आम लोगों को खाने पीने लिए अपने आप को यह महसूस करना पै रहा भी खाइए पीए किमें, कपड़े या कोई होर चीज़ा लैनिया तो बहुत दूर की गल है। सो साड़ी यही मोदी सरकार अगर बेनती है, अपने आप को इस चीज़ तो बदलो, वो नकली नादरशाही प्रमाण देने बंद करो, जिद लोगों के उपर गलत प्रभाव पवे, आम लोगों का जीना दुर्बल हो चुका है, गरीब लोग बिल्कुल औखा भी अच्छा अपने लिए कोई चंगा कपड़ा लै सके, अपने बच्चों दवा सके, जा कोई अच्छा कोई वस्त्र कोई किसी चीज़ लै सके। सो मेरी यही एक बार फिर बेनती है कि त्यौहारों को मद्देनज़र रखते हुए सरकारों को कुछ ना कुछ छूट का ऐलान देना चाहिए, ना कि रोज़ की रोज़ महंगाई वाले पास जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। बिटो जी बिटो डाउस बाजार के जो रौनक ब्याह च रश्ता है, पर बाजार कस्टमर है जो उसका थोड़ा आपके बजट के हिसाब से समान खरीदते हैं, महंगाई वधन करके पिछले हरेक चीज़ के रॉ मटीरियल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, तो कस्टमर भी थोड़ा उस तरह अवेयर होकर आपका चीज़ा खरीद रहे हैं। दिवाली साढ़े जिम्मे असं स्टॉक भी उस तरह मेनटेन किया, भी सूँ पता है इस चीज़ का कि थोड़ा जहा स्लो रहेगा काम कंपेरिजन पिछले साल का, करोना करके बाकी होर चीज़ा भी हरेक चीज़ इफेक्ट कर रही है, किसानी अंदोलन करके भी थोड़ा जो चल रहा है जी। पर आने वाला जो त्यौहार दिवाली का, उन्होंने देखते हुए लोग खरीददारी कर नहीं रहे थे?
कर तो रहे पर जिन्ना कि जरूरी है वो उन्ना कर रहे जी, कोई ज़्यादा फालतू नहीं कर रहे, जिन्ना कि जरूरी है वो कर रहे जी।